नमस्कार जी, आज मैं तुहानू जानकारी दूंगा कि किस तरह स्पेयर व्हील नू रिमूव किया जाता है। उसका पहला स्टैप है जो कि हुण मैं तुहानू दिखाण जा रहा। सब तो पहला असीं इस हैडरैसट नू इत्थों रिमूव करांगे। अते इत्थे एक देख रहे हो जो कि लॉक ते अनलॉक दा बटन है। इस नू असीं अनलॉक वाली पोजिशन ते करांगे अते इस दे कवर नू उतारांगे। इस साइड पे तीन चीज़ा तो अवेलेबल होनगियां। कंप्यूटर एक रिफ्लैक्टर, एक टूल किट और एक जैक होएगा जो तुहानू स्पेयर व्हील चेंज करन दे काम आएगा। इस रिफ्लैक्टर का काम है अगर तुहाडी गड्डी किसी भी रास्ते पेंचर हो जाती है तो गड्डी की पोजिशन तो 10 से 15 फिट की दूरी पर ही लगा दो ता जो दूसरी आने वाली गड्डियां नू पता चल सके कि तुहाडी गड्डी उत्थे खड़ी है। इस टूल किट विच एक जे हो रोड अते उस दिए दो एक्सटेंशन होंगे जो इस नाल असीं सो रोड नू लंबा अते छोटा कर सकते हैं। ते नाल इस दे एक हैंडल होएगा जो स्पेयर व्हील नू खोलन दे अते स्टेपनी रिमूव करन दे काम आऊगा। हुण असीं दसदे हां कि किस तरह जे हुक नू एक्सटेंशन दे नाल फिट करना है। इस ते एक होल होएगा एक्सटेंशन रोड ते जिस नू जे हुक दे लोक दे नाल इंसर्ट करांगे। इस बैक बंपर दे सेंटर विच असीं इस हुक नू लॉक करांगे ता जो साडा स्पेयर व्हील ओपन हो सके। इस लॉक नू इस विच इंसर्ट करके लैफ्ट राइट पोजिशन वल घुमाओ। ये रोड अपनी जगह अपने आप पकड़ लेगी अते इस हैंडल दे नाल इस नू एंटी क्लॉकवाइज असीं घुमावांगे ता जो साडा स्टेपनी लूज हो सके। तुसीं देखोगे कि साडा स्पेयर व्हील हौली हौली नीचे आ रहा है। इस नू उन्ना क तुसीं लूज कर लो जिस दे नाल साडा स्पेयर व्हील बाहर आ सके। हुण असीं स्पेयर व्हील नू बाहर कढ के इस विच लगे चैन होल्डर नू बाहर कढदे हां। ये चैन होल्डर स्पेयर व्हील नू होल्ड करके रखदा है। स्टार्ट। हुण असीं दसांगे कि किस तरह इस स्पेयर व्हील नू दोबारा अपनी जगह ते फिट करना है। सब तो पहला इस अलॉय दा अलॉय नू उपरले पासे रखना है ता जो ये चैन होल्डर इस विच आसानी नाल फिट हो सके। इस चैन होल्डर नू इस दे विच पाके छड़ दो, ये अपनी जगह अपने आप पकड़ लेगा। इस नू फिट करन तो बाद जे रोड क्लॉकवाइज घुमाना है तो तुहाडी स्टेपनी हौली हौली अपनी पोजिशन पर आ जाएगी।